स्वागत है सभी बच्चों का। और देखिए, आज एक लाइव क्लास मैंने ली थी जिसमें से काफ़ी कम बच्चे मौजूद रहे। अब देखो, किसी किसी को लगता है कि बेमतलब का है, बेमतलब का तो आई है, क्योंकि जो बच्चे हैं समझते हैं कि उनके लिए कुछ ना कुछ तो है ही है। अगर हम आधा घंटा, 45 मिनट, एक घंटा इधर उधर वाले वीडियोस ना देख करके अगर 10-5 मिनट वो मेरे ही लाइव क्लास में आता है तो कुछ दो चार शब्द तो मिलते ही। और मैं जानता हूँ कि दुनिया इतनी कॉन्शियस नहीं है, इतनी ज़्यादा जिम्मेदार नहीं है। जहाँ आनंद आता है वो वही जाता है, चाहे वो स्टडी क्लास हो और या फिर अन्य कोई वीडियोज हो। लेकिन मैं जानता हूँ ये कि मतलब का हो कुछ या चाहे ना हो, लेकिन बेमतलब का भी नहीं है। मेरी बात समझ रहे ना, कि कुछ ना कुछ तो है ही है, चाहे जैसा भी हो। और कुछ बच्चों का कहना ये है कि जैसे कमेंट करके कहते हैं, सर NDA की, CUET की, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है उसकी, और इसके बाद कहीं CGL का, कहीं कुछ कहीं। तो मेरा मानना ये है कि अगर किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है तो वो कैप्स प्लस ग्रामर यही आता है, और उसका लेवल मतलब लोअर तो होता नहीं है, मिडल और फिर हायर लेवल पर होता है। जो कॉम्प्रीहेंशन होते हैं और जो स्पॉटिंग द एरर होता है, बड़े बड़े एग्ज़ाम में बहुत ही हाई लेवल से लेते हैं। मैंने भी पेपर्स देखे हैं, तो जब हम लोगों का दिमाग थोड़ा सा चकराता है तो बच्चे वो भी कंपटीशन में शॉर्ट टाइम में कवर करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये सब प्रैक्टिस से इसमें कमांड करते हैं, निरंतर अभ्यास से ही सब कुछ आता है। बच्चे कोचिंग ज्वाइन करते हैं और लाइव क्लास लेते हैं, और जो अच्छी अच्छी क्लासेस चल रही हैं जिनके पास अच्छे गैजेट्स हैं, तो मेरे पास देखो जो भी साधन है और जैसा भी है मैं वैसे ही अपना देता रहता हूँ, जारी रहता है। लेकिन मैं एक बात अच्छी तरह जानता हूँ कि ये वही इंग्लिश है जो कंपटीशन में ही आती है। और जैसे एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर 12th के बोर्ड के लिए एग्ज़ाम के लिए, तो वो भी ये समझ ले कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं एंटोनिम्स और सिनोनिम्स और वोकैब्स के, जो अभी पिछले साल ही यानी कि 2022 में ही एग्ज़ाम में एक दो शब्द ऐसे पूछ दिए गए हैं जो कम्पिटिटिव लेवल के ही है। तो उन्हें ये सब कुछ पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आगे पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो आज की क्लास है ये स्पेशली मतलब देखो, दोनों चीज़ें शामिल रहती हैं, कंपटीशन भी और एकेडमिक भी। अब जैसे आज एकेडमिक बेस्ड है, लेकिन कंपटीशन इसी में कंपटीशन बन जाता है। जब इसी सेंटेंस को उठा करके आपको कंपटीटिव लेवल पर रख देगा एरर ढूंढने के लिए, तब आपका वही चीज़ कंपटीशन में आ जाएगी। और ऐसे ही कोचिंग सेंटर्स में छोटी छोटी चीज़ को पेपर में छाप करके, नोट्स बना करके, स्पॉटिंग द एरर में ले करके देते हैं। तो ये बच्चों में मैं समझता हूँ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर वही एक कोई ग्रामर का सेंटेंस बताया जा रहा है तो वही जा कर के स्पॉटिंग द एरर बनता है कि उसमें एरर ढूंढो। अगर आपने उसको सही तरह से और सही रूल्स में पढ़ रखा है तो गलती भी तो पकड़ में आ जाएगी फिर। तो हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, वो चाहे एकेडमिक हो या कंपटीशन। तो जैसा कि ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक चल रहा था और उसमें मैंने असर्टिव इंटरोगेटिव बताए थे, और उसमें मैंने कहा था कि आपको एक ऐसी एक्सरसाइज भी दूंगा जिसमें कुछ विशेष प्रकार के वाक होंगे, बहुत ज़्यादा विशेष नहीं है। असर्टिव इंटरोगेटिव बनाने में एक छोटी सी वही ट्रिक कि अगर नेगेटिव है तो अफर्मेटिव करो, अफर्मेटिव है तो नेगेटिव करो, ये मेन उसका लॉजिक है। और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन मतलब टेंस और सेंस दोनों लेकर चलना है। तो यहाँ पर देखते हैं 13 सेंटेंस हैं, और हर बार की तरह वही की जगह की कमी है, इसलिए नीचे से ही मैं बताऊंगा 13 नंबर सेंटेंस बताऊंगा मैं। तो जितनी जगह थी उतनी मैंने ले ली, और इतने में आपका कवर भी हो जाएगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इसको हमें इंटरोगेटिव बनाना, ये सभी असर्टिव सेंटेंस है, और इन सभी को इंटरोगेटिव मोड पर ले जाना है, बनाना है। तो
स्लो एंड स्टडी विंस द रेस लिखा हुआ है, मतलब इसका सेंटेंस। अब देखिए यहीं पर सिंटैक्स भी है, अगर वो स्लो एंड स्टडी एज ए डबल सब्जेक्ट के हिसाब से वो विन कर दे तो सिंटैक्स है, जबकि स्लो एंड स्टडी को हम एक सब्जेक्ट मानकर चलते हैं, एक ही सब्जेक्ट होता ही है वो, एक ही व्यक्ति में ये दो गुण पाए जाते हैं तो वो रेस जो है जीत जाता है। और ये आपने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी, पढ़ी भी होगी, उसी का ये मोरल है कि स्लो माने धीमा, बस मैंने स्टडी, तो स्लो माने धीमा, धीमा का मतलब ये पेशेंस से, व्यक्ति को जब पेशेंस होता है, धैर्य होता है, ठीक। स्टडी माने मजबूती, अर्थात इच्छाएं मजबूत होती हैं, तो जब व्यक्ति पेशेंस रखते हुए इरादे मजबूत रखता है, मतलब काम धीमा करे लेकिन काम करने में जो उसको लक्ष्य प्राप्त करना है वो इरादा उसका मजबूत हो, तो फिर वो रेस जीत जाएगा। तो ये पूरा सब्जेक्ट आपका एक ही होता है, ये एक ही होता है, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब आती है, कभी विन द रेस नहीं होता, लेकिन आपको वो विन द रेस देगा। तो कई तरह से सेंटेंस पूछ दिया जाता है, आर्टिकल के हिसाब से पूछ द स्लो, द स्लो एंड स्टडी अगर कर देगा तो यहाँ पर ये नहीं लगता है, क्योंकि ये दोनों जो है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो यहाँ आर्टिकल का भी उपयोग नहीं होगा। वह गलत करने के लिए बिल्कुल फ्री होता है, आप कितने अच्छे ढंग से पढ़े हो ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर स्लो एंड स्टडी मीन्स द रेस, अब इसको इंटरोगेटिव मोड में ले जाना है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और जब टेंस के लेवल पर सेंटेंस होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आगे कर देते हैं, नॉट नहीं है तो लगा देंगे और है तो हटा देंगे, तो इसमें नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा डू। हालांकि यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, तो है तो एक ही सब्जेक्ट लेकिन दो शब्द हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं, यहाँ पे आएगा डज, डज चूंकि आगे भी से लगा है तो डू कर देंगे तो प्लूरल हो जाएगा, तो डज ही आएगा, डज स्लो एंड स्टडी नॉट विन द रेस। और कहा गया था कि क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं, क्या धीमा यानी धैर्य रखने वाला और इरादे मजबूत रखने वाला दौड़ जीत नहीं जाता है? हाँ जीत जाता है। तो ये आपका इंटरोगेटिव, इतना ट्रिकी सेंटेंस, अभी देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, बस मर, तो यहीं पर वो डू लगा देगा, फिर कह देगा स्पॉटिंग एरर। अब इसी में क्या होता है, यहाँ डू लगा दिया, यहाँ पर ऐसे कर दिया, यहाँ पर ऐसे कर दिया, यहाँ पर ऐसे कर दिया, ये कर दिया ए, ये कर दिया बी, ये कर दिया सी, ये कर दिया डी, यहाँ लगा रखा उसने डू। अब आप ये करोगे कि आप कहोगे कि हाँ ये कंपटीशन वाला है, तो कंपटीशन वाला का बेस क्या है तो यही एकेडमिक, एकेडमिक ही तो पढ़ते हूँ, वहीं से तो आपका कंपटीशन निकलता है। मैं बहुत बार ये बात कह चुका हूँ, जब से मैं क्लास ले रहा हूँ, यूट्यूब चैनल मैंने बनाया होगा, तब शुरुआत से मैंने कहा था, जब मेरी पहली वीडियो आई थी, कि एकेडमिक से ही कंपटीशन का जन्म होता है, और जो एकेडमिक ना पढ़ करके कंपटीशन डायरेक्ट पढ़ेगा उसको एकेडमिक पढ़ना ही पड़ेगा। एकेडमिक का मतलब होता है कि छोटी छोटी चीज़ें, रूल्स रेगुलेशंस, ये सब उसको आने चाहिए, तभी कंपटीशन समझ में आता है। तो यहाँ पर क्या है कि अब जब ये लगे होगा तो अब आपका ढूंढना है कि एरर कौन से पार्ट में है। आपने ए सेलेक्ट किया सही हो गया, अगर आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया गलत हो गया, या ये सेलेक्ट किया ये, तो कहीं पर मतलब समझने की जरूरत है। अगर आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप गलत जगह लगा कर चले आए तो फिर गलत हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये डज होगा, तो ये विंस ही सजेक्ट करता है कि हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है। तो डज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो यहाँ डज स्लो एंड स्टडी नॉट विन द रेस, यहाँ पर सब्जेक्ट को एक ही लिया गया है, एक ही माना गया है, एकल सब्जेक्ट है यहाँ पर, इसलिए वहाँ विंस लगा है तो यहाँ पर डज हो जाएगा। अगर वहाँ विंस लगा, अगर यहाँ डू करते हैं तो फिर कॉम्बिनेशन उल्टा हो गया, कि यहाँ प्लूरल कैसे तो वहाँ सिंगुलर कैसे, जब वहाँ सिंगुलर तो यहाँ सिंगुलर, जब अगर वहाँ प्लूरल होता तो यहाँ भी प्लूरल करते। तो ये सेंटेंस मतलब ट्रिकी है, अगर वो ये चीज़ कभी ली जाए तो समझने वाली बात है। अब देखिए कभी अगर स्पॉटिंग एरर लिया जाएगा तो सेंटेंस मैं ये लूँगा ज़रूर, तब देखेंगे कि कितने बच्चे वहाँ पे श्योर हैं। तो यहाँ पर आपका 13 नंबर सेंटेंस था जो आपका हो गया। 12 नंबर जो लिया है, लिखा है इट डज नॉट मैटर इफ वी फेल, जब इट डज नॉट मैटर आता है तो इसके बदले में ये जो लिखा हुआ है, इसके बदले में वाट लगाया जाता है, इसको पूरा हटा दिया जाता है। यहाँ पर कभी कभी इट डज नॉट मैटर मच होता है, इट डज नॉट मैटर
मच इवन दो भी होता है, जैसे आपका एक सेंटेंस ये लिखा हुआ है 7 नंबर, इट डज नॉट मैटर मच इवन दो नो बडी हेल्प्स मी, इसको मैं भी बाद में बताऊंगा, पहले उसी को देख लो। इसको हटा करके वाट लगाया जाता है, लेकिन ध्यान रखिए कि जब इंटरोगेटिव होता है और असर्टिव बनाते हैं तब भी उस वाट को हटाकर हमें ये याद रखना पड़ेगा कि इट डज नॉट मैटर ही लगाना है। इसी से ये सेंटेंस बनता है, इसी से तब जाकर उसका अर्थ आता है, उसका और दूसरा उपाय नहीं है। तो इट डज नॉट मैटर कोई बात नहीं है, इफ वी फेल हम फेल हो जाते हैं, इसका ये अर्थ है। इट डज नॉट मैटर का मतलब कोई बात नहीं, तो इट डज नॉट मैटर अर्थात ये कोई मतलब नहीं रखता है इफ वी फेल, यदि हम फेल हो जाते हैं कोई मतलब नहीं, यदि हम फेल हो जाते हैं तो, यदि हम फेल हो जाते हैं तो क्या बात है, कोई बात नहीं। तो वहाँ पर जब हम व्हाट इफ वी फेल लिखेंगे 12 नंबर में, व्हाट इफ वी फेल, तो क्या हुआ इसमें परिवर्तन, ये तो एक इंटरोगेटिव बन गया सेंटेंस। ठीक, अर्थ क्या है, कोई बात नहीं यदि हम फेल हो जाते हैं तो क्या होगा यदि हम फेल हो जाएंगे, यदि हम फेल हो जाते हैं तो व्हाट, क्या क्या मतलब, कोई मतलब नहीं, ये अर्थ लाता है इसमें। यदि हम फेल हो जाते हैं तो व्हाट, क्या क्या मतलब, क्या बात, कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं, ये अर्थ निकलता, जाते हैं हम वहीं हैं। इसलिए इसका यही कॉम्बिनेशन है, इट डज नॉट मैटर मच हो या इट डज नॉट मैटर हो, तो उसको हटाकर व्हाट लगाइए, और अगर इंटरोगेटिव से असर्टिव बनाना हो तो फिर आपको व्हाट हटाकर इट डज नॉट मैटर और मच लगा सकते हैं। तो यहाँ मच वाला सेंटेंस इस तरह का यहाँ पर बनेगा, लगेगा यहाँ पर वही, मतलब यहाँ पर वही लगेगा पूरा हटा करके। तो उसको अभी हम देखते हैं, समझते हैं, नंबर आने दो उसका। तो यहाँ पर ये 12वां नंबर इस प्रकार से बनेगा, और ये सारे सेंटेंस ही कंपटीशन का एक लेवल तैयार कर देते हैं, अगर ध्यान से समझा जाए और देखा जाए तो यहीं से तमाम चीज़ें निकल करके हमको सीखने को मिलती हैं। अब अगर यही हमको नहीं मालूम है कन्वर्जन व्हाट और इट डज नॉट मैटर का, तो हम इसी में जा करके कहीं अगर इस तरह के सेंटेंस आ गया तो फंस जाएंगे, फिर हम सोचेंगे कि हमें उस लेवल का नहीं पढ़ाया गया। तो वही एक मुझे पता है कि ऐसा लड़के क्यों कहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि एक मतलब और हायर लेवल चाहिए, लेकिन ग्रामर सब घूम फिर करके वही है। तो ये तो एकेडमिक है, इसमें तो लड़कों को इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में ये तो पक्का मतलब उनको रिक्वायरमेंट है, ये पक्की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब स्पॉटिंग द एरर या PQRS पढ़ाया जाता है तो वो कंपटीशन बेस्ड होता है, लेकिन उसमें भी लड़का बोर्ड के एग्ज़ाम वाला उसमें भी वो सीख सकता है। और ये बोर्ड बेस्ड है एग्ज़ाम, जो UP बोर्ड बेस्ड होता है उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, तो यहाँ पर कंपटीशन वाला लड़का सीख सकता है। तो दोनों के लिए कोई भी बेकार नहीं है, बस एक मतलब जैसे यहाँ पर कंपटीशन के लिए 80-90% वैल्यूएबल है ये एकेडमिक के लिए, तो 10% कंपटीशन वाला इससे सीख सकता है, और जो कंपटीशन वाला होता है वह 80-90% कंपटीशन का होता है, लेकिन 10% उसमें यूपी बोर्ड का बच्चा भी सीख सकता है। और उस यूपी बोर्ड वाले बच्चे को कंपटीशन वाला तो पक्का देखना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर उसको वही चीज़ें फेस करनी है। इन चीज़ों को कंपटीशन वाला लड़का इग्नोर कर जाता है, वजह यह कि संभवतः वो इन सारी चीज़ों को पढ़ चुका होता है। लेकिन कंपटीशन वाले के लिए हो सकता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो अगर आता है तो, लेकिन जो यूपी बोर्ड का बच्चा है उसके लिए ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, कंपटीशन भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसको तो दोनों क्लासेस बराबर देखनी चाहिए। और देखो, अगर आप किसी बड़े कोचिंग सेंटर में जाते हो तो वहाँ समझाने का तरीका, उसका लेवल कैसा होता है और किस तरह से सपोर्ट मिलता है वहाँ, वो मैं जानता नहीं, वो तो बच्चे जाते हैं तो वो जानते होंगे। लेकिन यहाँ पर एक मतलब एक होम क्लास है, जिसको हम एक लोकल क्लास समझ सकते हैं, जो आपके मतलब डोर टू डोर सर्विस देता है। तो उस हिसाब से, और आप ज़रा से भी कमेंट करते हैं तो उसका मैं रिप्लाई भी करता हूँ। बड़ी बड़ी क्लासेस में जो चैनल में क्लासेस चलती हैं, चैनल बने हुए हैं, उनमें तो कमेंट भी करो तो रिप्लाई मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स होते हैं वो हर किसी की रिप्लाई नहीं करते। यहाँ तो छोटा छोटा अगर डाउट है और तुम लोगों ने अगर कमेंट करके पूछ भी दिया है तो रिप्लाई आपको हो सकता है तुरंत भी मिल जाता होगा, वरना कुछ समय बाद ज़रूर मिल जाता है। अच्छी बात, जैसी बात भी लड़का कमेंट कर देता है तो उसका जवाब मिलता पक्का है। फिलहाल यहाँ पर देख लीजिए, फूल्स रश इन
वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीड, मूर्ख लोग वहाँ भी चले जाते हैं जहाँ देव या देवता गण या देवदूत कदम रखने से डरते हैं। इसका भाव ये है कि मतलब जहाँ पर देव पुरुष भी कदम नहीं रखना चाहते हैं या रखने से डरते हैं, ऐसी जगह पर ही मूर्ख लोग जाते हैं। कुल मिलाकर के जो लोग मूर्ख देवता मतलब जिन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, जो चीज़ें ईश्वरीय एक नेचर में नहीं है, मूर्ख लोग वही काम करते हैं। तो यह बात समझने की हो गई कि जो प्रकृति के खिलाफ है, जिनसे प्रकृति भी डरती है, मूर्ख लोग वो काम करते हैं। तो यहाँ पर फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीड, तो इसको कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये आपको टेंस पहचानना पड़ेगा। मतलब फूल्स रश इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो डू फूल्स नॉट रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीड। ट्रीड माने चलना या कदम रखना होता है, ठीक। ट्रीड किसी वस्तु के ऊपर चलना भी होता है, कुचलते हुए चलना जैसे, और चहल कदमी करना, कदम रखना भी होता है। तो यहाँ पर क्या है, बताया गया था कि जब नॉट ना हो तो लगाना होता है और हो तो हटाना होता है, तभी उसका सही अर्थ आएगा। इंटरोगेटिव बनाया हमने जरूर, लेकिन नॉट नहीं था तो नॉट भी लगाया। तो डू फूल्स नॉट रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीड, तो क्या मूर्ख लोग वहाँ नहीं दौड़ते हैं या जाते हैं, क्या मूर्ख लोग वहाँ नहीं जाते हैं जहाँ देवदूत भी कदम रखने से डरते हैं। तो ये जाकर के यहाँ पर लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, तब जाकर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और इसको बनाने में कोई परेशानी फिलहाल नहीं थी, लेकिन फिर भी समझना है, क्योंकि उस समय परीक्षा में क्या होता है, एक अतिरिक्त दबाव होता है, एक प्रेशर होता है, वहाँ पर बच्चा आता हुआ सेंटेंस भी गलत करता है, ये कॉमन है। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब सफाई होना चाहिए, माइंड फ्रेश होना चाहिए, क्लियर बात आपको पहले समझनी है तब सॉल्व करना है एग्ज़ाम कोई भी हो। तो यहाँ पर ये 11 नंबर हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा स्पेस और मिल जाएगा, ठीक। यहाँ लिखा हुआ है शी विल नेवर डू सो, वह ऐसा कभी नहीं करेगी। अगर हमको इंटरोगेटिव बनाना है तो हम कहेंगे क्या वह ऐसा कभी करेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको करना है इसको विल आगे ले आओ, सी ले आओ, और नेवर के बदले क्या बताया था, ईवर। इसको हटाएंगे ज़रूर, लेकिन इसके बदले ईवर लगाएंगे, और फिर आ जाएगा विल सी ईवर डू और सो। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क लग गया। यहाँ पर देखिए नॉट हमने नहीं लगाया, क्योंकि नॉट का सेंस नेवर में था, तो जब नॉट का सेंस नेवर में था, नॉट प्लस ईवर इक्वल नेवर, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो नॉट का सेंस था, इसलिए जब कहते हैं कि नॉट होता है तो हटाते हैं, तो जब था यहाँ पर तो हमने हटा दिया, इंटरोगेटिव बना दिया। अगर नहीं होता तो हम लगा देते। तो यहाँ पर हो गया वह ऐसा कभी नहीं करेगी, तो क्या वह ऐसा कभी करेगी मतलब नहीं करेगी, या फिर ऐसे बना सकते हो, नेवर वाले को वेन से भी बताया था, वेन विल सी डू सो, ऐसा बना सकते हो। ये दोनों सेंटेंस सही है, नेवर वाले सेंटेंस को वेन से भी बनाया जा सकता है बहुत आसानी से। तो वेन विल सी डू सो, ऐसा वो कब करेगी, कब करेगी, ऐसा वो कब करेगी, कब करेगी मतलब कभी नहीं करेगी। तो यहाँ पर सेंटेंस आपका ये भी सही हो गया, तो यहाँ ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही हो गए। अब एक मिनट वेट करो ज़रा। हाँ चलिए, तो ये दोनों सेंटेंस एकदम सही है, तो दोनों में से कोई भी आप बना सकते हो। याद रखें अगर वेन लगाएंगे तो ना ईवर लगेगा ना नॉट लगेगा यहाँ पे, और अगर वेन से नहीं बनाएंगे तो ईवर पक्का लगेगा, इस बात को ध्यान रखो, वेन के साथ ईवर नहीं लगेगा। अब आपको कंपटीशन वाली बात बताता हूँ, ऐसे सेंटेंस वेन विल अगर ये कन्वर्ट करके देता है तो वेन विल ईवर सी डू सो, अगर वो ईवर इसमें डाल देता है तो आपका गलत नहीं हो गया, एक्सेप्शन नहीं दे, क्या कब वो ऐसा कभी करेगी, फिर अर्थ ये निकलेगा, जबकि हमको कहना चाहिए कब वो ऐसा करेगी, कभी नहीं करेगी, ठीक है ना। तो अब अगर ईवर को इसमें डाल दिया जाए तो गलती पकड़ने के लिए लड़का जमीन आसमान एक कर देगा, ठीक, कुछ जल्दी गलती पकड़ेंगे, कुछ देर में पकड़ पाएंगे, कुछ पकड़ ही नहीं पाएंगे।
क्योंकि वहां पर इतनी जल्दबाजी होती है कि देखा और तुरंत सेलेक्ट करना, वही चीजें होती हैं कि अगर हम यहीं से उसका बेस मजबूत करके चलते हैं तो वो चीज़ हमको आगे आसानी होती है, उसी का टॉपिक उसी का विषय मजबूत हो जाता है और वो कंफर्टेबल रहता है, तो उसको उतना ही कम मेहनत करनी पड़ती है। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से आप हर व्यक्ति बड़ी चीज़ सीखता है। और देखो ये ज़रूर है कि छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ें आती हैं, तो हम इसी तरह थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हैं और अपनी पढ़ाई को मजबूत करते हैं। बाकी डायरेक्ट कोई बड़ा ढूंढ रहा है तो याद रखिए वो पढ़ने वाला है ही नहीं और वो पढ़ भी नहीं पाएगा। मतलब क्योंकि अगर कोई डायरेक्ट कोई बड़ी चीज़ ढूंढता तलाश में है कि अरे ये तो फालतू की चीज़ है, कोई बढ़िया चीज़ मिले, कोई बड़ी चीज़ मिले, ये तो मज़ेदार नहीं है, कोई ऐसा मिले जिसमें हमको मज़ा आ जाए, तो अब मज़ा का मतलब समझ रहे हो ना। अरे मतलब अगर ये सारी चीज़ें आपको पता है तब तो मैं मानता हूँ कि नहीं नहीं ठीक है, उसका अपना एक प्रयास अपनी सोच ठीक है, लेकिन इन चीज़ों में वो पता नहीं, उसको छोटी चीज़ें उसको मालूम नहीं है और बड़ी चीज़ ढूंढ रहा है कि बहुत बढ़िया मतलब कोई अच्छी सी चीज़ मिले, बढ़िया हंसाने वाला हो, मनोरंजन करने वाला हो, कुछ थोड़ा आलतू फालतू की भी बातें हो, तो आलतू फालतू की बातें तो होती हैं लेकिन उसका एक हो सकता है टाइम आता है तो मज़ा भी आता है, आनंद भी आता है। अब मैं समझता हूँ कि अगर 15-20 मिनट का 30 मिनट का वीडियो है और उतने भर में अगर पढ़ाई की बात हुई है तो अब इससे मज़े की कोई बात है नहीं। इफ यू टिकल अस वी लॉफ, यदि तुम हमें गुदगुदी करते हो हम हंसते हैं। टिकल माने गुदगुदाना होता है, टिकल माने गुदगुदाना, यदि तुम हमें गुदगुदी करते हो वी लॉफ हम हंसते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यदि तुम गुदगुदी हमें करते हो तो क्या हम नहीं हंसते हैं, तो ये वाली क्लॉज आपकी ऐसे ही रहती है। इफ यू टिकल अस, ये ऐसे कॉमा लगा देंगे और ये चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डू लगा देंगे, इतने का इंटरोगेटिव केवल बनाना है और इसमें नॉट नहीं है तो नॉट लगा देंगे और फिर हो जाएगा डू बी नॉट लव। इफ यू टिकल अस डू बी नॉट लव, यदि तुम हमें गुदगुदाते हो तो क्या हम हंसते नहीं है, जवाब हंसते हो गया असर्टिव इंटरोगेटिव मतलब विदाउट चेंजिंग इट सेंस, सेंस नहीं बदल रहा, बढ़िया आराम से बन रहा है। अब बोर्ड एग्जाम में अगर इस तरह के सेंटेंस पूछ दिए जाएं तो आप सोच के देखो कि बेहतर ढंग से अगर लड़का नहीं पढ़ा होगा इस सेंटेंस को तो ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस ये लड़का गलत ही करेगा, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा हमको किस स्पॉट पे चेंज करना है। यहाँ पे हो सकता है चेंज कर दे या और कुछ डाल दे, कुछ भी कहीं का दिमाग चल सकता है, उसका कुछ गारंटी नहीं है। अगर उसको जानकारी नहीं है तो ऐसी चीज़ें अब आती हैं बोर्ड में, तो ये कैसे बना ऐसे बना, अरे गलत हो गया। तो इन चीज़ों में अब ये बोर्ड के एग्ज़ाम में 2 नंबर का है सेंटेंस, मतलब इतना करने में 2 नंबर का है, लेकिन अगर पढ़ रखा और समझ रखा है दिमाग में है तो, वरना उसके लिए कोई फिर मायने नहीं रखता। तो यहाँ पर सेंटेंस ये बन गया, इसमें और कोई गुंजाइश भी नहीं है। सीधे कि हम और कोई क्वेश्चन वर्ड लगा दें, व्हाट व्हेन वेयर ऐसा कुछ है नहीं। अभी इससे भी स्पेशल सेंटेंस है, हो सकता है मैं टॉपिक को आगे बढ़ा दूं और मूड बनेगा तो इससे स्पेशल, जो इससे कि लड़के समझते हैं कि कंपटीशन लायक, तो वो भी। लेकिन थोड़ा सा ये था कि यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए पहले एक बेस बनना चाहिए, फिर मैं इसके आगे आपको वो एक्सरसाइज भी पढ़ा दूंगा। इट इज़ यूजलेस टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस, अर्थात बेकार की पुस्तकों को पढ़ने में समय बर्बाद करना व्यर्थ है। तो यहाँ पर ये जो फ्रेज है इट इज़ यूजलेस टू, ये पूरा इतना यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पे वाई लगाया जाता है, वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश, ठीक है ना, और ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया कि फालतू की पुस्तकें पढ़ने में, रीडिंग ट्रैश का मतलब होता है मतलब यूजलेस बुक्स, मतलब बेकार की पुस्तकें, जैसे अन्य प्रकार का लेख होता है कुछ तरह तरह के बच्चों का माइंड मतलब मिसलीड करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, दूषित करने के लिए,
तो व्यर्थ की पुस्तकें पढ़ने में हम समय बर्बाद क्यों करें? वाई वेस्ट टाइम, समय बर्बाद क्यों करें? वाई वेस्ट टाइम, वाई और जो वर्ब थी फर्स्ट फॉर्म, इसका मैं तरीका पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि इसको कई तरीके से चेंज करते हैं। जैसे लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, अब जैसे इसको बनाना है ना, अगर हमको असर्टिव बनाना है तो इसके ये एक तो ये तरीका है, इट इज़ यूजलेस टू वेस्ट, इट इज़ नो गुड टू वेस्ट, ऐसे हम कर सकते हैं। तो इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट, ऐसे कर सकते हैं, कई तरीके होते हैं, लेकिन एक तरीका हमारे हमें अपने माइंड में सेट करना है जिससे कि हमें अंक उसको मिले और हम उसको सम... लेकिन ये है कि उसके कई रूप समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर वो कंपटीशन में उसको भिन्न भिन्न प्रकार से मिल सकता है। तो वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस, तो इसके बदले वाई लगाइए, और जब वाई आ जाए तो कई तरीके हैं, इट इज़ नो गुड टू वेस्ट और लेट्स नॉट वेस्ट, ऐसे करके कई तरीके से आप सिंपल असर्टिव जा करके बना सकते हैं। तो ये आपका था सेंटेंस नंबर 8। इसके बाद है आपका सेंटेंस 7th नंबर, इट डज नॉट मैटर मच, इसका तो बनेगा सिर्फ इतना ही, व्हाट इफ नोबडी हेल्प्स मी, जो इसका इट डज नॉट मैटर का भी बताया था उसी तरह से ये भी बनेगा। बस ये तय देखो होता ही है कि कभी कभी वो ये दे देता है, इट डज नॉट मैटर मच इवन दो, ठीक है ना, अर्थात कोई व्यक्ति हमारी मदद नहीं करता इससे हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, कोई अधिक फर्क नहीं पड़ता। तो क्या यदि कोई व्यक्ति हमारी मदद नहीं करता, यदि कोई व्यक्ति हमारी मदद नहीं करता तो क्या क्या मतलब, कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं। तो वही है व्हाट, इट डज नॉट मैटर मच इवन दो, क्या काम करता है, इवन दो इक्वल व्हाट इफ, ये इस तरह से चलता है, ये कभी कभी जैसे इवन इफ होता है, ठीक, मतलब चाहे कोई व्यक्ति हमारी मदद ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि हमारी व्यक्ति हमारी मदद कोई ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है, हमें अधिक फर्क नहीं पड़ता। तो वही मतलब हो जाता है, इट डज नॉट मैटर मच इवन दो नोबडी हेल्प्स मी। तो यहाँ पर इसका ये कॉम्बिनेशन होता है, जब कभी इस तरह से आता है तो ये लगा होता है, इसको हटाकर हमको ये लगा देना होता है, तो जाकर सेंटेंस सही हो जाता है। बस यही इसका बैलेंस है, बाकी इट डज़ नॉट मैटर मच हो या इट डज़ नॉट मैटर हो, इट डज़ नॉट मैटर मतलब कोई मतलब नहीं है, एकदम सेंटेंस वो सही है। तो यहाँ हमने व्हाट इट किया और सेंटेंस सही हो गया। इवन दो असर्टिव मोड में आएगा, व्हाट इफ आपका इंटरोगेटिव मोड पे आएगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा है, अ ट्रूथफुल मैन विल बी रेस्पेक्टेड एवरीवेयर, एक सच्चा व्यक्ति हर जगह सम्मानित किया जाएगा, एक सच्चा व्यक्ति हर जगह सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए बनाइए कैसे बनेगा, यहाँ पर बने जाएगा, ये चूंकि फ्यूचर टेंस में है तो विल आगे ले आया, विल आ ट्रूथफुल मैन, चूंकि इसमें नॉट नहीं है तो क्या करना है, नॉट लगाना है, विल आगे चला गया यहाँ पे, तो अब इस जगह पर क्या आ जाएगा आपका नॉट बी, और फिर क्या आ जाएगा रेस्पेक्टेड एवरीवेयर, क्या एक सच्चा व्यक्ति हर जगह सम्मानित नहीं किया जाएगा, क्या एक सच्चा व्यक्ति हर जगह सम्मानित नहीं किया जाएगा। अब देखिए एक तो सेंटेंस ये बना, दूसरा सेंटेंस वेयर विल अ ट्रूथफुल मैन नॉट बी रेस्पेक्टेड क्वेश्चन मार्क, क्या एक सच्चा व्यक्ति हर जगह सम्मानित नहीं किया जाएगा, वेयर विल अ ट्रूथफुल मैन यहाँ पे टी है
नॉट बी रिस्पेक्टेड। एक सच्चा व्यक्ति कहाँ नहीं सम्मानित किया जाएगा, हर जगह किया जाएगा। दो तरीके, क्योंकि एवरीवेयर कह रहा है, एवरीवेयर प्लेस को डिनोट करता है, तो जब हम वेयर लगाएंगे तो एवरीवेयर हटा देंगे, मतलब हर जगह, मतलब कहाँ कहाँ नहीं, वेयर और नॉट। तो वेयर विल फॉर मैन नॉट बी रिस्पेक्ट, देखो एक शर्त बराबर चल रही है कि नॉट नहीं है, नॉट नहीं है तो लगेगा, लगेगा चाहे ये वाला बनाइए चाहे ये वाला बनाइए, अगर नॉट होता तो फिर इसमें नहीं लगता, इसमें भी नहीं लगता। मतलब इसका बहुत बड़ा नियम है ये, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव टू असर्टिव, कि नॉट है तो हटेगा, लगा है तो हटेगा और नहीं लगा है तो लगेगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखकर चलना है, अगर ये चीज़ मिस हो रही है तो सेंटेंस आपका कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, ये मान कर पूरी तरह चलिए। तो चाहे आप विल से बिल्कुल एक नॉर्मल मोड पे बना लीजिए, ये इसका स्पेशल मोड है, दोनों एकदम पूरी तरह सही है। तो वेयर विल अ ट्रूथफुल मैन नॉट बी रिस्पेक्टेड, एक सच्चा व्यक्ति कहाँ नहीं सम्मानित किया जाएगा, हर जगह किया जाएगा। क्या एक सच्चा व्यक्ति हर जगह सम्मानित नहीं किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा, अ ट्रूथफुल मैन विल बी रिस्पेक्टेड एवरी। तीनों सेंटेंस का अर्थ एक है, लेकिन जो नमूना शेप आप देख रहे हैं, साइज देख रहे हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं और बना सकते हैं। फिर लिखा है आई कैन डू नथिंग मोर, मैं और ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या होता है, कैन आई डू, इसको क्या किया, एनीथिंग, फिर कर दिया मोर, आई कैन डू नथिंग मोर, मैं और अधिक कुछ नहीं कर सकता। तो क्या मैं और अधिक कुछ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। नथिंग नो है, हटाया, बताया था कि नेवर की जगह ईवर और नो की जगह एनी, ये आपको करना है। तो कैन आई डू एनीथिंग मोर, क्या मैं और अधिक कुछ कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। यह तो ये बना लीजिए और यह फिर दूसरा ये बना लीजिए व्हाट से। देखिए इंटरोगेटिव जो वर्ड्स हैं, यानी जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, इनको लगाने के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, जिसका आप भाव अच्छी तरह से समझ रहे हो, वरना बेसिक सेंटेंस बनाने में कोई बुराई नहीं है। अब यहाँ पर आ जाएगा व्हाट मोर कैन आई डू, मतलब व्हाट मोर, और क्या ज़्यादा, और क्या अधिक, और कुछ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, और क्या अधिक मैं कर सकता हूँ आपके लिए, और कुछ नहीं कर सकता हूँ अधिक। आई कैन डू नथिंग मोर, मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, और ज़्यादा क्या, और ज़्यादा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मतलब और ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, और क्या अधिक मैं आपके लिए कर सकता हूँ, मतलब नहीं कर सकता। कैन आई डू एनीथिंग मोर, क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। अब यहाँ पर देखिए, क्या मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, कुछ और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अब फॉर यू लगा दिया जाए तो और सपोर्ट मिल जाएगा समझने के लिए, लेकिन व्हाट मोर का प्रयोग ध्यान रखिए। अगर ये नथिंग मोर आता है तो उसके लिए आगे आपका व्हाट मोर लाना है, वरना ये आपका बेसिक तरीका है जो ट्रांसफॉर्मेशन में असर्टिव टू इंट्रोगेटिव बेसिकली जो चलता है। तो ये नॉर्मल है, ये थोड़ा स्पेशल है, दोनों में से कोई भी लेंगे बिल्कुल सही जाएगा। इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नथिंग मोर के बदले व्हाट मोर आगे लगाएंगे, फिर नथिंग पूरा हट जाएगा। इसमें क्या होगा, नथिंग को अगर नॉर्मल लेते हैं तो एनीथिंग लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आपकी आगे चली जाएगी, इसमें यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नॉट लगा था तो यहाँ कहीं नॉट नहीं है, यहाँ पे नॉट लगा था यानी नो का सेंस था, तो यहाँ पर भी कहीं पर नो का सेंस नहीं है। अगर नहीं होता तो होता, तो होता है तो हटाता है, हटाते हैं, और अगर नहीं होता तो फिर लगाते हैं। ये बराबर बात पूरी तरह से हर सेंटेंस में प्रूव होते हुए चल रही है। इसके बाद लिखा है यू कैन नेवर रिपे हिज काइंडनेस। अब देखिए यहाँ पर क्या, कैसे आएगा, कैन यू, नेवर के बदले क्या किया, एवर, और फिर क्या आ जाएगा, रिपे हिज काइंडनेस, काइंडनेस क्वेश्चन मार्क। दूसरा, वेन कैन यू रिपे
इज काइंडनेस क्वेश्चन मार्क. और फिर हाउ कैन यू रिपे हिज काइंडनेस. अब देखिए ये तीनों सही है, बस ये है कि वही बताया गया कि जब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होती है और भाव को हम समझ रहे होते हैं तो सेंटेंस आसानी से पकड़ में आता है और समझ में आता है. तुम उसकी दया को कभी चुका नहीं सकते हो, उसकी दया के बदले तुम कभी उसको और कुछ नहीं कर सकते, मतलब दया को चुका नहीं सकते कभी. ठीक, तो कैन यू इवर रिपे हिज काइंडनेस, नेवर को जब हम कैन लेकर चलेंगे तो इवर लगेगा. यहाँ नो का सेंस था नॉट का, नेवर लगा था, चूंकि यहाँ पर नॉट कहीं नहीं है, यहाँ पर नॉट कहीं नहीं है, यहाँ पर नॉट कहीं नहीं है. अगर हमने इनमें कहीं पे नॉट लगा दिया तो अर्थ नहीं है, तो होता है तो हटाते हैं, तो था तो हमने सब में हटाया, इसलिए तीनों सही हैं. कैन यू इवर पे रिपे हिज काइंडनेस, क्या आप कभी उसकी दया को चुका सकते हो. जब नेवर हटा तो इवर आया, पहला सेंटेंस बेसिक बिल्कुल रूल पर है. फिर थोड़ा सा स्पेशल, वेन कैन यू रिपे, चूंकि नेवर जहाँ आता है तो वेन से सेंटेंस बनाया जा सकता है. आप उसकी दया को कब चुका सकते हो, कभी नहीं चुका सकते. आप उसकी दया को कब चुका सकते हो, मतलब कभी नहीं चुका सकते. और फिर क्या कह रहा है, हाउ कैन यू रिपे हिज काइंडनेस, उसकी दया को तुम कैसे चुका सकते हो. किसी भी तरह नहीं चुका सकते, मतलब बिल्कुल नहीं चुका सकते. हाउ कैन यू रिपे हिज काइंडनेस, उसकी दया को तुम कैसे चुका सकते हो. किसी भी तरह नहीं, कोई तरीके नहीं है, अर्थात बिल्कुल नहीं चुका सकते, मतलब कभी नहीं चुका सकते. तो यहाँ पर तीनों सेंटेंस बिल्कुल सही है, तीनों में कोई भी आप सेलेक्ट करिए. और बिल्कुल, और देखिए यही चीज़ ये जाकर कंपटीशन में पहुँच जाती है. ये नॉर्मल यूपी बोर्ड में रहता है, बच्चा कहता है हमें सब यूपी बोर्ड पढ़ाओ, लड़का कहता है हमें एनडीए और नेवी पढ़ाओ. तो अब अगर ये चीज़ें आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, आगे के लिए शुभकामनाएँ हैं मेरी. लेकिन नहीं आते हैं तो ये सेंटेंस बुरे नहीं हैं. और यूपी बोर्ड के बच्चों की चूँकि आज की क्लास है और उनके लिए तो मैं पक्का कहूँगा, तो उन्हें हर हालत में हर कीमत पर एट एनी कॉस्ट एट एनी रेट ये सेंटेंस आने चाहिए, ये समझ लीजिए. क्योंकि उसको अगर इस सेशन में यानी 2022-23 के सेशन में 23-24 में अगर उसको ये चीज़ें नहीं आती और वो 12th में है तो वो बहुत पीछे है, और नहीं आती तो आना चाहिए, मतलब अब सीख सकता है. He will never become an IAS. वह कभी IAS नहीं बन पाएगा. तो will he ever become an IAS? ठीक, अब ये चूंकि never होता है तो when से बन जाता है. When will he become an IAS? दोनों में क्वेश्चन मार्क. क्या वह कभी आईएएस बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा. वह आईएएस कब बन पाएगा, कभी नहीं. दोनों सेंटेंस सही है, नेवर वाला वेन से भी कवर हो जाता है, और अगर आप जनरल मोड पे बनाते हैं तो इवर का विशेष ध्यान रखिए. जब तक इवर इसके बदले इस वाक्य में नहीं लगेगा तो अर्थ आपका नहीं बनेगा, और जब नहीं बनेगा अर्थ नहीं सही देगा तो सही हो ही नहीं सकता, कभी नंबर भी नहीं मिलेगा. यह बात ध्यान रखिए. या तो फिर आप वेन से बनाइए, लेकिन वेन किसे बनाने पर इस बात का बेहद ध्यान रखना है कि इवर का प्रयोग नहीं होगा, और जो ये गलती कर जाता है दोनों प्रकार की. अब देखिए यहाँ नॉट का सेंस था तो ना नॉट इसमें है ना नॉट इसमें, इसलिए ये दोनों सेंटेंस यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा इसको. इसके बाद दूसरा है, नो वन इज विदाउट प्रॉब्लम्स, समस्याओं के बगैर कोई नहीं. जब नो आता है, नो बॉडी आता है, एवरी बॉडी आता है, ऐसे में हु का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन हु का हम बाद में करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब से करेंगे. जब इज करेंगे तो नो के बदले क्या लगाते हैं, जवाब दो, एनी लगाते हैं. और वन दिया ही हुआ है, इज एनी वन, ठीक है ना, क्योंकि नो था तो हट गया. अब सीधे आ जाएगा क्या, विदाउट प्रॉब्लम्स. क्या कोई बिना समस्याओं के है, नहीं, कोई भी बिना समस्याओं के नहीं है. इज एनी वन विदाउट प्रॉब्लम्स, क्या कोई बिना समस्याओं के है, कोई नहीं है.
अर्थात कोई भी बिना समस्याओं के नहीं, हर किसी के पास समस्याएं हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या चला गया, अब ये आपका नो वन इज विदाउट प्रॉब्लम्स, ठीक है, ऐसा जा कर के है। तो ये असर्टिव सेंटेंस है और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर हो जाएगा हु इज, मतलब दूसरे टाइप का सेंटेंस, हु इज विदाउट प्रॉब्लम्स, ये इंटरोगेटिव बन गया है। अगला, बिना समस्याओं के कौन है, एक मिनट एक मिनट, हाँ हु इज विदाउट प्रॉब्लम्स, हाँ ठीक, बिना समस्याओं के कौन है, बिना समस्याओं के कोई नहीं है, मतलब सब समस्याओं सहित हैं। क्या कोई बिना समस्याओं के हैं, कोई नहीं है। बिना समस्याओं का कौन है, जो वो सामने लाओ, उसको बुला के लाओ जो बिना समस्याओं का हो, कौन है बताइए, कोई नहीं है, बिना समस्याओं का कोई नहीं है, तो क्या होगा, सब कोई ऐसा करके, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है हु इज़ विदाउट प्रॉब्लम्स या इज एनी वन विदाउट प्रॉब्लम्स, तो जैसे लिख देते हैं एवरी वन, ठीक, हैज प्रॉब्लम्स, एवरी वन हैज प्रॉब्लम्स, हर कोई एवरी वन यहाँ पे होगा, एवरी वन हैज प्रॉब्लम्स, हर किसी के पास समस्या है, बिना समस्याओं का कोई नहीं है। ये भी असर्टिव है, ये भी असर्टिव है, ठीक, अगर ये देता है कि बनाइए, ठीक है, तो यहाँ पर इंटरोगेटिव ऐसे बना सकते हो, ठीक। अब जैसे यहाँ पर लिख दी एवरी वन हैज प्रॉब्लम्स, तो नो वन इज विदाउट प्रॉब्लम्स, मतलब वो जब घुमाएगा तो कहीं से भी घुमा देगा आपको, लेकिन तुम्हें अपने नियम पर चलना है, तो ध्यान रखना वही सेंटेंस बन जाएगा। अब यहाँ विद या विदाउट का आपको प्रयोग बेहतर ध्यान रखना है कि एवरी वन हैज प्रॉब्लम्स, हर किसी के पास समस्या है, तो ऐसा कौन है जिसके पास समस्या नहीं है, हु इज विदाउट प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब जैसे हम ये कर देते हैं, अब इसको इंटरोगेटिव बनाना है, तो ऐसे ज़्यादातर आप ऐसे पहुँचेंगे, हु हैज नॉट प्रॉब्लम्स, हु हैज नॉट प्रॉब्लम्स, समस्याएं किसके पास नहीं है, सभी के पास समस्याएं है, समस्याओं के बगैर कोई नहीं है, तो क्या कोई समस्याओं के बगैर है, कौन है जो समस्याओं के बगैर है, सबका अर्थ एक ही है, जब ये देता है तो यहाँ से पहुँचते हैं, जब ये होता है तो यहाँ आ जाते हैं, जब ये होता है तो यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ होता है तो यहाँ से आ जाते हैं, तो ये जो आपका पूरा ये फंक्शन है ये अलग है, ये थोड़ा फंक्शन अलग है, ये भी असर्टिव है और ये इंटरोगेटिव है, ये भी असर्टिव है और ये दोनों इंटरोगेटिव है, और पांचों सेंटेंस का सेंस बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन ये है कि यहाँ से आप यहाँ आओगे, यहाँ भी आ सकते हो, लेकिन ये थोड़ा स्ट्रीम चेंज कर देगा, लेकिन यहाँ से यहाँ जल्दी पहुँच जाओगे, ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ जल्दी पहुँच जाओगे, यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर पहुँच जाते हो तो सावधानी से पहुँचिए, गलत ना होने पाए, मेरा काम था बताना, वो मैंने बता दिया। अब आपका एक लास्ट बचता है सेंटेंस, ये भी बिल्कुल आसान है, लिखा हुआ है देयर इज नथिंग ग्रेटर देन लव, तो इज देयर एनीथिंग, इज देयर एनीथिंग ग्रेटर देन लव, चूंकि यहां नो था तो यहां पर एनी हो गया, अर्थात प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, तो क्या प्रेम से बढ़कर कुछ है, कुछ नहीं है, प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब जैसे हम कह दें यहां पर क्वेश्चन वर्ड से बना है, तो बना व्हाट इज ग्रेटर देन लव, ठीक, प्रेम से बढ़कर क्या है, बनाया जा सकता है, गलत नहीं है, लेकिन इसमें एक मिस्टेक हो जाती है, ये सामने वाले के समझने पे डिपेंड करता है, हो सकता है कि वह ये पूछ रहा हो कि क्वेश्चन कर रहा है वो, लेकिन इसमें नहीं कहेगा इज देयर एनीथिंग ग्रेटर देन लव, क्या प्रेम से बढ़कर कुछ है, तो भाई मतलब अगर कुछ हो तो बता, जवाब ये होगा कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर होता है जैसे व्हाट इज हैवियर देन द अर्थ, धरती से बढ़कर क्या है, सिन इज द हैवियर देन अर्थ, मतलब धरती से बढ़कर या धरती से भारी क्या है, पाप है,
ऐसे मतलब क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो यहां पर कोई सामने वाला मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो सकता है, मतलब मिस अंडरस्टूड हो सकता है, गलतफहमी हो सकती है, इसलिए इसको नहीं बनाया जाता, यही बनाया जाता है। अब आप सोचो कि कोई क्वेश्चन होता है दिमाग में बच्चों के आ भी जाता है कि कहीं ऐसा बना दे तो ऐसा बना दे तो, मैं बता रहा हूँ कि सही करने वाला कर भी सकता है लेकिन गलत भी किया जा सकता है, क्योंकि उसमें एक यही बात फंस रही है कि ये एक सामान्य प्रश्न भी बन जाता है। बात समझ रहे हो ना कि एक तमाम चीजें होता है, व्हाट इज ब्राइटर देन सन, सूर्य से अधिक चमकीला क्या है, हो सकता है उसके दिमाग में वो कोई पहेली बूझ रहा हो, कोई चीज ऐसी होती है जो लॉजिकली और साइंटिफिक प्रश्न बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं, इसमें इसमें प्रश्न माना जा सकता, लेकिन इसमें प्रश्न किसी भी तरह से नहीं माना जा सकता, क्योंकि यहाँ ऐसा अर्थ ही निकाला जाएगा, क्या प्रेम से बढ़कर कुछ है? जब आप ये कहोगे क्या प्रेम से बढ़कर कुछ है, तो सामने वाला ये नहीं कहेगा कि ये प्रश्न कर रहा है, बल्कि वो ये समझ जाएगा कि आप ये कहना चाहते हो कि प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। तो ये बनाना है, ये नहीं बनाना है, डाउटफुल है सेंटेंस। तो यहाँ पर आज की क्लास ख़त्म हुई, और कितनी यूज़फुल हुई, क्या आपको फ़ायदा मिला, किस तरह से क्या नुकसान हुआ, भाई ये भी पूछना मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है मान देखने के बाद बच्चा कहते कि अरे यार टाइम बर्बाद हो गया। फिलहाल जैसा भी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को देखने से पहले ही लाइक करें, क्योंकि ये बात मैं आखिरी में कह रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए कह रहा हूँ कि मुझको खुद आखिरी में ध्यान आता है, तो समझ लीजिए जब मुझको इतनी ज़रूरत है लाइक और शेयर की तब मैं आखिरी में कहता हूँ, तो करने वाले तो अंगूठा दबाने में भी आलस करते हैं ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है, ये अपनी मर्जी से होता है, फिर भी एक फॉर्मेलिटी होती है वो मैं कर ही देता हूँ। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और देखते रहिए और समझते भी रहिए, प्रिपेयर भी करते रहिए, ताकि समय ये भी मेहनत भी बेकार ना जाए और आपका समय भी बर्बाद ना हो। तो अगर लेकिन ये है कि अगर अच्छा हुआ करे कि नहीं हमने कुछ नई चीज़ सीखी, तो एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिए कि नहीं हाँ सर ठीक था। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो, सभी को शुभकामनाएं।